तो दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ड्रैगन बॉल जी के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की है, जो कि है एंजल्स। पर दोस्तों सभी ड्रैगन बॉल्स और एनिमे फैंस जानते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करने वाला सबसे पहला मॉडल कौन है और उसने कब इसे अचीव किया था। तो दोस्तों वो मॉडल और कोई नहीं, गोकू है, और उसने पावर ऑफ टूर्नामेंट में इस टेक्निक को अचीव किया था। तो दोस्तों आज हम लोग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सभी लेवल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि हमें एनिमे सीरीज में अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की सिर्फ और सिर्फ दो ही लेवल्स दिखाए गए हैं, पर दोस्तों आज हम लोग इसके टोटल 6 से 7 लेवल्स की बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो पे एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के उन दो ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं जो हमें एनिमे में दिखाए गए हैं। तो दोस्तों उनमें से सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन, या फिर दोस्तों हम लोग इसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ओमेन के नाम से भी जानते हैं, जिसे गोकू ने पावर ऑफ टूर्नामेंट में जीरन के खिलाफ इस्तेमाल किया था। और दोस्तों इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू के चारों तरफ एक शाइनिंग ऑरा चमकने लगता है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में दोस्तों गोकू की बॉडी पूरी तरह से डिफेंसिव हो जाती है, जहां पे उसे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसकी बॉडी खुद ब खुद रिएक्ट करती है। देन दोस्तों दूसरे नंबर पे आती है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और दोस्तों इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी गोकू ने पावर ऑफ टूर्नामेंट में ही अचीव किया था जीरन के खिलाफ, जहां पर दोस्तों वो ओमेन वाले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ जीरन से नहीं जीत पाता है, और इसी की वजह से उसने इस टेक्निक को उसी कम टाइम में ही मास्टर कर लिया था। जहां पर दोस्तों हम लोग देख पाते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू के हेयर्स पूरी तरह से व्हाइट या फिर सिल्वर कलर के हो जाते हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में दोस्तों गोकू की बॉडी डिफेंसिव के साथ साथ ऑफेंसिव भी हो जाती है। दोस्तों इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू की ताकत ओमेन वाले अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। देन दोस्तों नंबर 3 पे हमें जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाया गया है वो हमें मांगा में दिखाया गया, ना कि एनिमे सीरीज में। दोस्तों बेसिकली गोकू इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता है मोड़ो आर्क में। जब गोकू और वेजिटा पूरी तरह से मोड़ो से हार जाते हैं, तब गोकू मीरस के साथ ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों अगर आप लोग को नहीं पता कि मीरस कौन है, तो दोस्तों ये एक बेसिकली एंजल है, जिसे हमें मोड़ो आर्क में दिखाया गया था। और दोस्तों इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम होता है कंप्लीट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। दोस्तों बेसिकली इसका अपेयरेंस भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन की तरह होता है, जहां पर इसमें गोकू के हेयर्स पूरी तरह से ब्लैक कलर के होते हैं। पर दोस्तों इस ट्रांसफॉर्मेशन की पावर मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज़्यादा होती है। देन दोस्तों नंबर 4 पे आती है परफेक्टेड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। दोस्तों बेसिकली हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी मोड़ो आर्क में दिखाया गया था, जहां पर गोकू अपने कंप्लीट मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मोड़ो को नहीं हरा पाता है, और जब दोस्तों मीरस की डेथ हो जाती है मोड़ो की वजह से, तब उसका गुस्सा फट पड़ता है और वो परफेक्टेड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लेता है। देन दोस्तों नंबर 5 पे आता है जायंट गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। दोस्तों इस ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली कोई नेम नहीं है, पर दोस्तों इस ट्रांसफॉर्मेशन को भी गोकू ने मोड़ो आर्क में ही अचीव किया था, जहां पर दोस्तों गोकू परफेक्टेड मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ मोड़ो को बहुत ही आसानी से हरा रहा होता है। पर तभी गोकू मोड़ो को सुधारने का एक चांस देता है, जिसका फायदा उठाते हुए मोड़ो अर्थ के साथ फ्यूजन कर लेता है, जिसके बाद दोस्तों ऊप के एनर्जी मिलने के बाद गोकू इस फॉर्म को भी अचीव कर पाता है। देन दोस्तों हम लोग को ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म देखने को मिलती है गोकू की ग्रैनोला आर्क में, जहां पर दोस्तों वो गैस से फाइट कर रहा होता है, जहां पर उसे पता चल जाता है कि वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गैस को डायरेक्ट नहीं हरा सकता है। तब वो अपने एंगर को इस्तेमाल करते हुए अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को सीधे अपने बेस फॉर्म के साथ इस्तेमाल करता है, जहां पर अपने सैयन प्राइड को मिला देता है। और तभी दोस्तों उसके बाद हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की 6 फॉर्म देखने को मिलती है, जो कि होती है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। तो दोस्तों अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो पे लाइक कीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में #अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जरूर लिखिएगा।